चलिए अब हम एक नई वैरायटी का क्वेश्चन रिग्रेशन इक्वेशन का देखते हैं. सपोज हमारे पास दो रिग्रेशन इक्वेशन हैं, 2x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, और आपको बोला गया फाइंड मीन ऑफ x एंड y, और आपके पास दो रिग्रेशन इक्वेशन हैं. अब ध्यान से समझिए इसमें एक चीज, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू रिग्रेशन इक्वेशंस, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू रिग्रेशन इक्वेशंस रिप्रेजेंट मीन. दो रिग्रेशन इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट मीन रिप्रेजेंट करता है. ध्यान से देखिए, अब आपके पास दो रिग्रेशन इक्वेशंस हैं, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट अगर हम निकाल लें तो हमारे पास मीन आ जाएगा. और इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलता है ध्यान से देखिए, बचपन में हमने बहुत इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले हैं, कुछ भी इसमें नई चीज नहीं है. आप इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए, इसको आप 1 से इंटू करो और इसको 2 से, तो दिस विल बी 2x प्लस y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, एंड दिस विल बी 2x प्लस 6y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0. साइन चेंज करो, 2x माइनस 2x 0, y माइनस 6y माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. So माइनस 5y, 6 इज इक्वल्स टू 5y, तो y विल बी वॉट 6/5, दैट इज 1.2. तो ये आपका आ गया y का मीन. अब x हमें निकालना है, तो 2x प्लस y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0. अब y की जगह 1.2 पुट करिए, 2x प्लस 6.8 माइनस 6.80, 2x 6.8, x will be 6.8 by 2, 3.4. तो बेसिकली आपके पास y सीरीज का मीन आ गया, आपके पास x सीरीज का भी मीन आ गया, तो दोनों मीन आपके पास आ चुके हैं. तो यू विल राइट डाउन मीन ऑफ x इज 3.4 एंड मीन ऑफ y इज 1.2. तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू रिग्रेशन इक्वेशंस रिप्रेजेंट मीन. एन इंटरसेक्शन पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड. दो रिग्रेशन इक्वेशन एलिमिनेट किया, सॉल्व किया, एक्स वाई की वैल्यू जो भी आएगी दैट रिप्रेजेंट्स मीन. नोट इट फास्ट.